हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज की वीडियो फिर से काफ़ी खास होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आप बहुत दिनों से मेरे को बोल रहे थे कि भाई कहाँ है। क्योंकि मैं जब भी आप देखता था कमेंट में करते थे भाई बैटरी के बारे में कुछ बताओ, बैटरी के बारे में कुछ बताओ। तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बैटरी के बारे में है। जैसे कि आपको पता है कि बैटरी दो टाइप की होती है, लिथियम बैटरी और लेड एसिड बैटरी। इन दोनों के बारे में मैं आज बताऊंगा, दोनों को एक एक करके कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा कि कौन सी बैटरी अच्छी है, कौन सी बैटरी बेकार है, क्या किसमें अच्छा है, क्या किसमें बेकार है। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ लेड एसिड बैटरी को बेकार बोलने वाला हूँ, लिथियम बैटरी को अच्छा बोलने वाला हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने देखा है, उससे मेरे को ये पता चला है कि लिथियम बैटरी में भी कुछ नहीं, काफ़ी खामियाँ हैं। वो सारी खामियाँ मैं आपको बताऊँगा और आपको सिर्फ एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और यार सब्सक्राइब नहीं करते यार, इतनी मेहनत करता हूँ मैं। देखो अभी यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने क्या क्या मेरे को बताना है आपको, तो मैं हर इधर उधर शूट पे जाता हूँ, आपको नए नए रिक्शा की रिव्यू देता हूँ। तो यार सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आप वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, नीचे जो लाल बटन है या पता नहीं काले या सफ़ेद कलर में आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब पे क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन अभी बहुत ज़रूरत है अभी हमें। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। दोस्तों मैंने बहुत सारे चीज़ें बनाई हैं, लिखी हैं, जिसकी वजह से मैं आपको तुलना करूंगा। जैसे चार्जिंग टाइम क्या है, सर्विस है, मेंटेनेंस का क्या है, कौन सी आपको महंगी पड़ती है, कौन जल्दी अवेलेबल हो जाती है, वारंटी किस में कितनी है, एक चार्ज में कौन सा कितनी चलती है, कितनी देर में चार्ज हो जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक करके तुलना करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग टाइम की। तो चार्जिंग टाइम, जैसे कि आपको पता है कि चार्जिंग टाइम लिथियम बैटरी 4 से 5 घंटे में चार्ज होती है, और जो लेड एसिड बैटरी है, एसिड वाली बैटरी है, वो 10 से 12 घंटे लगाती है। हाँ, अगर आप ये सोचेंगे कि भाई मेरी लेड एसिड बैटरी लेकिन मेरी तो 8 घंटे में चार्ज हो जाती है, तो दोस्तों ये मैं बता दूं, अगर आपका जो चार्जर से चार्ज कर रहे हो अगर वो ज़्यादा वोल्ट का है तो जल्दी भी चार्ज हो सकती है। ये नॉर्मल केस मैं बता रहा हूँ कि लिथियम बैटरी आपका 4 से 5 घंटे में होती है, लेड एसिड बैटरी आपकी 10 से 12 घंटे में होती है। ये अंदाज़ा है, इसमें 1 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, जाहिर सी बात है। दूसरी चीज़, आप सर्विस की बात करते हैं, तो सर्विस देखिए, लिथियम बैटरी है उसकी सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं, जब तक चलेगी वो तब तक चलती रहेगी। ना उसमें आपको पानी चेंज करना है, ना आपको उसमें बार बार कार्बन साफ़ करना है, कुछ नहीं करना। लेकिन लेड एसिड बैटरी में आपको पानी चेक करता रहना पड़ेगा, आपको उसमें जो ऊपर कार्बन जम, प्लग के ऊपर जो कार्बन जम जाता है वो भी देखना पड़ेगा, और पानी बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात करते हैं, तो कौन जल्दी मिल जाती है। तो दोस्तों लिथियम बैटरी आसानी से नहीं मिलती। लिथियम बैटरी अगर आपकी ख़राब भी होती है, 3-4 साल 5 जो भी साल ख़राब होती है, वो आपको आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन लेड एसिड बैटरी आपको हर दूसरी दुकान पर मिल जाएगी। लेड एसिड बैटरी मिलने में काफ़ी आसानी होने वाली है आपको। रेंज की बात करें कि कौन सी कितनी, एक चार्ज में कितना चलती है, तो दोस्तों दोनों का लगभग रेंज बराबर है। 80 से 100 किलोमीटर एक चार्ज में चलती है दोनों ही बैटरी, चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो चाहे लिथियम बैटरी हो। फिर से 10-15 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है। अब बात करते हैं वारंटी की। तो दोस्तों वारंटी, आपको सबको पता है कि लिथियम बैटरी की जो वारंटी है वो 3 साल मिलती है, और लेड एसिड की बैटरी की वो जो वारंटी है वो आपको 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने अलग अलग हिसाब से मिलती है। वो डिपेंड करता है आप कितने पैसे में खरीद रहे हो, उस हिसाब से आपको वारंटी 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने मिलती रहती है। लेकिन मैं आपको इसमें बता दूं कि लिथियम बैटरी आपको निकाल नहीं सकते, अगर कुछ दिक्कत होगी निकाल नहीं पाओगे, आप मैकेनिक पे जाओगे वही निकालेगा, वही उसको जो भी देखेगा। लेकिन लेड एसिड बैटरी आप आसानी से इधर से उधर निकाल के नई बैटरी लगाना आसानी से कर सकते हो। और क्योंकि लिथियम बैटरी में आप, जैसे लेड एसिड बैटरी में क्या है, हर 6 महीने में 1 साल में आपको निकालना पड़ता है, लेकिन लिथियम बैटरी में तो है नहीं, 3 साल की तो वारंटी दे रहे हैं, 3 साल तक तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन और ये भी कहते हैं कि 3 साल तो वारंटी मिली, लेकिन लिथियम बैटरी की 5 साल वारंटी है। और एक और चीज़, पहले मैंने नहीं सुना था कि, पहले सुना था कि भाई अगर आपने लिथियम बैटरी ले ली है और अगर वो ख़राब हो गई तो आपको पूरी लिथियम बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या है कि अगर आपकी लिथियम बैटरी ख़राब होती है तो आपको पूरी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि लिथियम बैटरी में या किसी भी बैटरी में 48 वोल्ट का करंट रहता है, ठीक है, और अगर लिथियम बैटरी कोई ख़राब होती है तो उसके उसमें मेरे ख्याल से 36 सेल होते हैं, 36 या किसी में 12 होते हैं सेल। तो जो सेल ख़राब है उसको चेंज करते हैं और नया सेल लगाते हैं, आपकी नई की नई बैटरी बन जाती है, ठीक है।
तो ये हिसाब बनता है आपका लिथियम बैटरी को चेंज करने। तो आपको अगर लिथियम बैटरी खराब हो तो जरूरी नहीं है कि पूरी नई की नई लिथियम बैटरी लेने जाना पड़ेगा, आप नई लेने जाएंगे उसमें भी काम आपका बन जाएगा। ठीक है, कॉस्ट की बात करते हैं, लेकिन कॉस्ट की बात करने से पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि किसमें किसका एडवांटेज है, किसमें फ़ायदा है, किसमें नुकसान है। दोस्तों लिथियम बैटरी में एक चीज़ जो कोई आपको नहीं बताता वो ये है कि दोस्तों अगर लिथियम बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो रही है तो डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद बंद हो जाएगी, जहाँ डिस्चार्ज हुई वहाँ बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन लेड एसिड बैटरी आपको डिस्चार्ज होने के बाद भी आपको 5-6 किलोमीटर आराम से चल, मतलब आराम से भी करके झुझू करके चल ही किसी भी तरह से चले जाएगी, जहाँ तक आपको चार्जिंग स्टेशन है वहाँ तक आपको पहुँचा देगी। लेकिन लिथियम बैटरी अगर एक बार डिस्चार्ज हुई तो बिल्कुल ज़ीरो, उसके बाद आगे धक्का ही मार कर ले जाना पड़ेगा, अपने आप तो वो नहीं जाएगी। तो ये नुकसान है आपका लिथियम बैटरी का। लिथियम बैटरी में जो एक और नुकसान है वो ये है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भैया लेड एसिड बैटरी उसमें एसिड है तो उसको जब बनाते हैं फैक्ट्री में तो भी दिक्कत होती है, तो भी पॉल्यूशन होता है, और जब चलाते हैं तो भी पॉल्यूशन होता है ना। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि लिथियम बैटरी जहाँ से, क्योंकि आपको पता है लिथियम बैटरी को निकाला जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है, और लिथियम बैटरी को ज़मीन से निकालने के लिए जितना पॉल्यूशन होता है, जितना चीज़ें वेस्ट होती है, पानी वेस्ट होता है, उतना लेड एसिड बैटरी में नहीं होता। कहने का मतलब है, बोलते सब हैं कि भाई हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ला रहे हैं, लिथियम बैटरी लगा रहे हैं, हम लेड एसिड बैटरी लगा रहे हैं, हम पानी का, हम पेट्रोल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बैटरी आपके गाड़ियों में लगने से पहले ही इतना पोल्यूशन कर चुकी है जितना पेट्रोल करता है। वो बात अलग है, पेट्रोल आप चलाते वक्त गंदी करेंगे, लेकिन लिथियम बैटरी पहले ही गंदा करके आ चुकी है। तो ये चीज़ जो आपको है ना कि लिथियम बैटरी गंदा पोल्यूशन करती नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, पूरा ही गलत है कॉन्सेप्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके वजह से मैं लिथियम बैटरी को प्रेफर करता हूँ, हाँ मैं लिथियम बैटरी को प्रेफर करता हूँ, क्यों, बहुत मेन रीज़न ये है कि देखिए दोस्तों, अगर आप नई रिक्शा में लेड एसिड बैटरी रखते हैं तो जाहिर सी बात है आप ऊबर खाबड़ रोड पर चलाएंगे, पानी उसका नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा तो वो चेसी पे जाएगा और आपकी चेसी जो है वो ख़राब करेगा। ठीक है, और चेसी आपको पता है ई रिक्शा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मजबूत चीज़ है, इसको पूरा ई रिक्शा ऐसी तैसी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही हो जाएगा, लेकिन अगर चेसी ख़राब हुई तो बहुत दिक्कत आने वाली, इतनी आसानी से चेसी नहीं बनती, फिर आपको नया रिक्शा खरीदने की नौबत आ जाती है। अब सबसे आखिरी में मैं आपको बताता हूँ कीमत। दोस्तों कीमत की बात करें तो आपको, अगर मैं लिथियम बैटरी की बात करूँ तो लिथियम बैटरी आपको 80,000 से 1,00,000 रुपए पड़ेगी नई बैटरी, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेड एसिड बैटरी की बात करूँ तो लेड एसिड बैटरी आपकी सिर्फ और सिर्फ 32,000 में मिल जाएगी, जिसमें आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अपनी पुरानी बैटरी देते हैं। तो मतलब आपको 22,000 की पड़ी लेड एसिड बैटरी, वहीं पे आपको 80,000 से 1,00,000 की पड़ी आपको लिथियम बैटरी। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, अगर 22,000 की भी पड़ रही है तो अगर 6 महीने की वारंटी वाली 22,000 की पड़ रही है और 6 महीने में ही ख़राब हो जाती है, पता है आपको, तो 6 महीने अगर आपने मान लो 3 साल की बात करें तो 3 साल में आप 6 बार बैटरी बदलोगे, 6 बार बैटरी, जिसमें आपको पानी भरवाना है, आपको मेंटेनेंस करना है, कार्बन साफ करना है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करें तो अगर 22,000 की आपको एक बार 6 महीने में एक बार आपको 22,000 रुपये लगाने पड़ रहे हैं, तो अगर आप मैं 3 साल की बात करूँ, 3 साल में आपको 6 बार बैटरी बदलनी होगी, और अगर मैं 22 को गुना करूँ 6 बार से तो आपका 1,20,000 से भी ऊपर पहुँचने वाला है। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपका जो लिथियम बैटरी है वो अगर दूर तक चलाना है आपको तो लिथियम बैटरी आपको काफ़ी सस्ती पड़ने वाली है। जैसे मैंने बताया लिथियम बैटरी 80,000 से 1,00,000 में पड़ेगी, लेकिन आपकी लेड एसिड बैटरी उस 3 साल में आपको कुछ भी नहीं तो आपको चल जाएगी आपका 1,20,000 से 1,40,000। और ये बात कर रहा हूँ तब जब आपकी लिथियम बैटरी सिर्फ 3 साल चलेगी, लेकिन कहते हैं 5 साल तक कहीं नहीं चले, और 5 साल खराब होने के बाद मैंने बताया ना आपको सेल चेंज करना है, पूरा बैटरी चेंज नहीं करना है भाई। और एक चीज़ आप लोग पूछ रहे थे कि लिथियम बैटरी की रीसेल वैल्यू, जैसे मैंने बताया कि लेड एसिड बैटरी अगर आप बेचते हो तो आपको पुरानी बैटरी बेचते हो तो 10,000 रुपये आपको मिल जाते हैं, लेकिन 10,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं जो भी है, लेकिन लिथियम बैटरी में आपको पुरानी बैटरी देने पर कुछ खासा पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार सेल ख़राब हुआ है तो उसके अंदर ग्रेफाइट ख़त्म हो चुका है, वो अब आपका ज़्यादा पैसे का नहीं बिकने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है। तो रीसेल वैल्यू अगर बात करें तो लिथियम बैटरी में काफ़ी कम है लेड एसिड की बैटरी के मुकाबले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, मैं क्या करूँ कैसे बोलूँ, सब्सक्राइब कर दो, उसकी बहुत ज़रूरत है, मैं चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए रिक्शा के साथ, किसी नए रिक्शा के बारे में जानकारी, नए ड्राइवर इंटरव्यू और हर चीज़।
अगर आपको फिर भी कुछ नया सीखना है, नया जानना है, जैसे कि अभी जो वीडियो मैंने बनाई ये कमेंट आपने कमेंट किया था इसलिए बनाई, अगर आप और कमेंट करेंगे जो आपको जानकारी चाहिए कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, धन्यवाद।